पूरे शरीर को मेंटेन बना रखने के लिए हमारी हड्डियों का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है। इसी हड्डियों की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम कैप्सूल बायोडी 3 प्लस के बारे में बात करेंगे। कैप्सूल बायोडी 3 प्लस क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। बायोडी 3 प्लस एक ऐसा कैप्सूल है जो हड्डियां एवं मांसपेशियों की प्रॉब्लम को दूर करके अंदरूनी ताकत प्रदान करता है। नेचुरल तरीके से हमें पूर्ण रूप से कैल्शियम एवं विटामिन की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो हम इस कैप्सूल के द्वारा विटामिन एवं कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में बायोडी 3 प्लस कैप्सूल है। ये बायोडी 3 प्लस का ब्रांड दिया गया, ये बताया गया इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए इसकी कंपनी की बात करें तो ये मैक्रोस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात कर लेते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग 6/2018 और एक्सपायरी 5/2021 है। चलिए इसकी MRP की बात करें तो ये 188 रुपये के 15 कैप्सूल आते हैं। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसमें होता है कालसेट्रोल 0.25 mg, ये विटामिन D3 होता है और एलिमेंटल कैल्शियम 200 mg होता है इसमें। इस तरह ये हड्डियों की प्रॉब्लम के लिए मॉलिक्यूल्स हैं, ये हड्डियों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसकी पैकिंग की बात करें तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, ये ब्लस्टर पैकिंग में आता है। तो आप इस कैप्सूल को यूज़ करके अपनी हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसमें इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपको गोट की प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब गठिया बाई की प्रॉब्लम हो, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ पैरों में खिंचाव रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, दर्द रहता है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप ऑस्टियोपोरोसिस में इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब आपकी हड्डियों कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ घिसने लगती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप में विटामिन डी की कमी है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपकी किडनी से संबंधित स्टोन की ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बार बार होती रहती है, आप उसमें यूज़ कर सकते हो। आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है या हाथ पैरों में दर्द रहता है, हड्डी में दर्द रहता है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपकी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। आपको हड्डी से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस कैप्सूल के डोजेस के बारे में बात करें तो इस कैप्सूल का ओडी डोज होता है, मतलब दिन में एक बार खाना खाने के बाद सादा पानी से इसका लेना है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप रात में लेते हैं तो उस कैप्सूल को रात में ही लें, और यदि आप दिन में ले रहे हैं तो उस कैप्सूल को दिन में ही लें, मतलब एक बार कभी भी आप इसको कंटिन्यू यूज़ करना है। तो इस तरह से आप इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसको नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, भूख की कमी हो जाती है, स्किन पर रैशेस की प्रॉब्लम होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है और घबराहट चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। यदि आपको हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।